सकते हो अगर आप में से कोई जा रहा है नॉलेज टेस्ट देने जगह, ठीक है, वहाँ जाके आपको रिवील कर। गाइस ये देखो हाथ में आ चुका है ब्रांड होने वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दी वंडर सोल। और शुरुआत हो चुकी है फिर से एक मस्त दिन की, नए दिन की। और आज है बहुत इंपॉर्टेंट डे, बिकॉज आज मेरे को जाना है अपने नॉलेज टेस्ट के लिए, मतलब लर्नर लाइसेंस जो होता है ना उसके लिए। मैंने अप्लाई किया हुआ था, आज मेरी अपॉइंटमेंट थी तो उसके लिए जाना है। वहीं जाना है ICBC, जहाँ से BCID ली थी और इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी मैंने, ठीक है। तो फिर मेरे को मिल गई थी इसकी, अपने आप हिसाब से कर लेना, जो ICBC की वेबसाइट है वहीं से करनी होती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो भाई इस नॉलेज टेस्ट के लिए ना प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एक ICBC टेस्ट करके ऐप होता है, ठीक है, उसमें होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वही आते हैं। मतलब मैंने सबसे सुना है, भैया से पूछा था तो वो कह रहे थे, बाकी अभी जाके देखते हैं कैसा जाता है। और इस ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते, देख सकते हो अगर आप में से कोई जा रहा है नॉलेज टेस्ट देने या इन फ्यूचर यहाँ के जाएगा तो उससे ही। बाकी आगे का क्या प्रोसीजर है वो मुझे टेस्ट के बाद पता लगेगा, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। जो जी पहुँच गए फिर से ICBC ड्राइवर सर्विसेज, अंदर जाके देखते हैं भाई टेस्ट का क्या सीन होता है, फिर बताते हैं आपको। तो गाइस हो चुका है मेरा नॉलेज टेस्ट क्लियर। देखो मैं अभी भी ICBC के बाहर ही हूँ, ठीक है, अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो अंदर घुसते इन्होंने मेरे से पूछा आपके पास अपॉइंटमेंट है, मैंने बोला यस। तो फिर कुछ नहीं, मतलब इन्होंने मुझे रिसिट सी दी और बोला कि भाई वेट करो। फिर जैसे ही मेरा नंबर आया वैसी BCID की तरह काउंटर पर जाके पूछा, तो इन्होंने मेरा स्टडी परमिट मांगा, पासपोर्ट मांगा और पूछा आपके पास इंडिया का या किसी और कंट्री का लाइसेंस है, मतलब कनाडा से पहले कहीं का लाइसेंस है। मेरे पास था इंडिया का तो मैंने इनको दे दिया, ठीक है। तो मेरा लाइसेंस था 2 साल से पुराना, तो फिर वो उसने इन्होंने मेरे को क्रेडिट दे दिए। तो मेरे तो इन्होंने बोला कि अगर मतलब जो मतलब एकदम न्यू लाइसेंस होता है ना, या जिन पर लाइसेंस नहीं होता और जिनका 2 साल से पुराना नहीं होता, उसको ये क्लास 7 का इशू करते हैं लर्नर लाइसेंस, ठीक है। और जिनके पास होता है और 2 साल से पुराना होता है, ठीक है, उसको ये इशू करते हैं क्लास 5 का, ठीक है। क्लास 7 एकदम मतलब लेवल 1, क्लास 5 लेवल 2। फिर उसके बाद मेरे को बोला कि मतलब फ़ोटो खींची मेरी और $15 चार्ज लिए, और फिर बोला कि जाओ मशीन लगी थी उस पर जाकर टेस्ट दो। तो 50 में से 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मतलब जैसे ही वो 40 क्वेश्चन सही होते हैं ना, वो सिस्टम अपने आप ही कह देता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ट। और अगर आपके 11 गलत हो गए 50 में से, उसी टाइम बंद। तो इसका बेटर तरीका ये है कि मतलब पहले तो जो ऐप है डिस्क्रिप्शन में उसको डाउनलोड कर लो और उससे मतलब पूरी तैयारी करो अच्छे से कि फेल ना आए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसको गलत करने से अच्छा है कि स्किप कर दो, क्योंकि हो सकता है आपको वो समझ नहीं आ रहा और 40 दूसरे आप सही कर दो तो उसी टाइम टेस्ट बंद हो जाएगा, वो क्वेश्चन देने आंसर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करते हैं, अब चलते हैं कहीं आगे घूम के आते हैं। गाइज देखो मेरे को ड्राइविंग सेंटर से बाहर निकल के ना 10 या 15 मिनट हो गए, मतलब मेरे को जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए, और फुल अंधेरा हो गया। अब जिस लोकेशन पर घूमने जा रहे हैं आप देखना, आप भी जा रहे हो, बड़ी मस्त जगह है, ठीक है, वहाँ जाके आपको रिवील करते हैं क्या है वो। आ चुके हैं भाई द वेटेड डेस्टिनेशन ट्रैम्पोलिन पार्क। अब इसके अंदर जाओ और करो बाउंस। ये यहाँ पर है, इस वाले स्क्वायर में लोकेटेड है, कोलंबिया स्क्वायर में, ठीक है। अब और देखते हैं जा कैसा है ये ट्रैम्पोलिन पार्क के अंदर। और इसके अंदर सबसे पहले आते ही ना, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो एज यूजल हर जगह जहाँ पर मतलब थोड़ा रिस्क होता है वहाँ पर वेवर साइन करना पड़ता है, और यहाँ भी करना है। स्क्रीन होगी और ये जस्ट साइन अ वेवर या फिर आई हैव अ बुकिंग। वेवर तो मैंने साइन कर दिया, अब मेरे को टिकट बाय करनी है, वो मेरी फ्रेंड आएगी तब करेंगे। कुछ ऐसा दिखता है ये अंदर से, हॉकी टेबल है, ये कियोस्क लगे हुए हैं, एंड दिस इज कैमरा जो वो नहीं होती फोटोज़ ऐसे वाली आ जाती है इससे, और ये सब है थोड़ी सी, ये तो गेम्स आर्केड टाउन, और बाकी ट्रैम्पोलिन वाला उधर साइड है। अभी वहाँ अंदर जाना है टिकट्स लेने के बाद। चीज़ भी अगर इन डेज पर आओ ना स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जैसे हम तो वही हैं, तो थर्सडे को मिलेगा 50% ऑफ, और ट्यूसडे को अनलिमिटेड है, वेंसडे को फैमिली नाइट, फ्राइडे ये आज सैटरडे है, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा पर गलत दिन पाए, पर कोई बात नहीं, आगे से थर्सडे को आना चाहिए। तो गाइस ये देखो हाथ में आ चुका है बैंड, होने वाला है टाइम, कुछ जा रहा है अंदर और जाके करना बाउंस यानी जंप। एक चीज़ और, जब भी ऐसी जगह हो ना वो नॉन स्टिकी मतलब जो वो वाली सॉक्स होती है वो लेनी पड़ती है, तो मतलब वो $2 में पड़ी, मतलब एक बंदे के 1850 चार्जेस एंड फिर उसके बाद $2 की वो सॉक्स। तो अगर आपके पास हो तो वो लेके आ जाना,
यहाँ से खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही दिखती है। ऐसा हो जाना चाहिए कि मतलब आप गिरो ना, वो सॉक्स फिसले ना ट्रैम्पोलिन के ऊपर। तो ट्रैम्पोलिन पार्क चलते हैं इस वाले में, इसमें मजा आएगा, भगने वाला है ये। नेक्स्ट एरियल चैलेंज, इसमें लटको और लटके गिर जाओ, मजा आएगा। अब नेक्स्ट चीज में चलेंगे। लॉज वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये घूमता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्राई करते हैं इस पे। गाइस फुल फन हो चुका है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको फन करना हो और भी ऐसी फन वाली वीडियो देखनी हो तो देखते रहना चैनल, एंड कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।